हमारी लंका का संपूर्ण विनाश हो चुका है। वालों के लिए भुआ पूरा परिया के लिए अच्छा नहीं हुआ। हमारे सारे पुत्र मार दिया गया और हमारा पुत्र हिरावण भी समाप्त कर दिया गया। द्वार पर लो पृथ्वी परी असुरों का नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रिसा सीतापुर। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ताकि छोटी बड़ी खबर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको रूबरू हो जाएं। और आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहे हैं और आप लोग हमारे कैमरा के माध्यम से देखते होंगे, और ये भी अपने आप के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तस्वीर कहाँ की है। आइए मैं तस्वीर के बारे में बताएँगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकास खंड रेउसा के क्षेत्र ग्राम डिलिया और एक वहाँ पे स्थान जो महापुरुष का सार्वजनिक स्थान बन जो एक स्थान स्थापन है और वहाँ स्थान एक रखा गया है, और उसी के बारे में आप लोगों को एक दशहरा का मेला जो पूरे उत्तर प्रदेश में हर साल मनाया जाता है, और दशहरा के मेले के उपलक्ष्य में यहाँ ये तस्वीर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आपके कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं स्क्रीन पे है, वो रावण है। रावण की जो एक पुतला बनाया गया है वहाँ पे रावण का दहन होगा, उसमें आग लगाई जाएगी, और आग लगाने के बाद कुछ हमारे नौजवान युवा और अखाड़े में उतरे हैं, कुश्तियाँ भी हुई हैं। ये ग्राम पंचायत डिलिया की तस्वीर है उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की, और आप लोग पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को हम देखते रहें। और जो भी हमारे खबर को अभी तक लाइक नहीं किया है, मैं वो लाइक करें और सब्सक्राइबर करें ताकि छोटी बड़ी खबर आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपको एक गांजर से सटी हुई और क्षेत्र से कस्बे से जो भी होगी आप तक मैं रूबरू कराता रहूँगा। और पूरी तस्वीर देखते रहिए हमारे कैमरा के माध्यम से कि किस तरह रावण को दहन किया गया है, और ये मेला जो है दशहरा के नाम से लोग जानते हैं, महापुरुष बाबा डिलिया के स्थान के ऊपर ये मेला हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मेले के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है और नहीं हुआ है, और हमारे
थाना थान गांव के अंतर्गत से जो हमारी पुलिस बल वहां पे तैनात की गई और बाकी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात की गई और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्वक से ये एक परम मनाया गया। और आप लोग देख सकते हैं कि ये रावण दहन हो चुका है और इसमें की जो भी लकड़ियां हैं सभी दर्शक इसमें से लेके जाने के लिए भाग रहे हैं अपनी अपनी